Hello children, welcome to science lecture. Today in this video I am going to teach you chapter number 10, how animals survive, explanation part from the textbook. टेक्स्ट बुक का पूरा जो भी आपको कंटेंट दिया है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी चैप्टर 10 का, हाउ एनिमल्स सर्वाइव. तो जो चैप्टर है उसका मीनिंग क्या होता है, हाउ एनिमल्स सर्वाइव का मतलब होता है एनिमल्स अपने आप को ज़िंदा कैसे रखते हैं, कैसे वो जहाँ पे भी रहते हैं वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए क्या करते हैं और उनकी बॉडी किस तरीके से बनी रहती है. सो फर्स्ट टॉपिक जो दिया है उसमें आपको दिया है टाइप्स ऑफ एनिमल्स. सो फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एनिमल्स. बेस्ड ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अ बैकबोन एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. तो जो दो टाइप है यहाँ पे वो ये है कि एक तो बैकबोन विदाउट बैकबोन और दूसरा है विथ बैकबोन. बैकबोन आप सबको पता होगा, जो हमारा पीछे का पूरी जो हड्डी होती है उसे हम बैकबोन बोलते हैं, हमारे बैक पे जो पूरा बड़ा सा बोन होता है वो. ठीक है, तो उससे हम लोग जैसे स्ट्रेट बैठ सकते हैं, स्ट्रेट सो सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, दैट हेल्प्स, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बैकबोन. तो हम यहाँ पर अगर एनिमल्स की बात करें तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होता है, वैसे एनिमल्स को बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स. मतलब जिनके भी बॉडी में बैकबोन नहीं होता है, पीछे का बोन जो बड़ा सा होता है वो नहीं होता है, उन्हें बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स. यहाँ पे एग्जांपल दिया है इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े कुछ होते हैं जैसे कि कॉकरोच है, एंट है, वॉर्म है, फिर बी, ये जो फोटो आपको दिखा है वो एक टाइप ऑफ हनी भी बोल सकते हैं. और उसके अलावा वॉर्म्स जो होते हैं जैसे स्लग है, स्नेल है, स्लग कैटरपिलर जो होता है वो, फिर स्नेल, ये सारे ऐसे इंसेक्ट या ऐसे वॉर्म्स हैं, कीड़े मकोड़े जिनमें बैकबोन नहीं होता. ठीक है, अभी उनके बॉडी के बारे में अगर डिस्कस करें हम, तो उनकी बॉडी में आप पिक्चर में देखो, फोटो में जो इंसेक्ट के फोटो दिया है, ठीक है, यहाँ पे जो हनी बी टाइप का है उसमें तीन पार्ट है. एक तो हेड आप देख सकते हो, तीन ऐसे गोल गोल सर्कल है उनकी पूरी बॉडी, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि बैकबोन तो है नहीं, तो पूरा जॉइंट कैसे है एक दूसरे के साथ, बोन के साथ नहीं. तो पहले है सर, उसका हेड, उसके नीचे है जैसे हम बोलते हैं हमारा पेट का पोर्शन होता है, वैसे उसका है थोरेक्स, ऊपर का पोर्शन जो है वो हेड के नीचे है थोरेक्स, उसका वो बॉडी पार्ट का नाम है. और तीसरा है एब्डोमन, एब्डोमन यानी कि सबसे पीछे वाला नीचे वाला पोर्शन. तो ये तीन पार्ट्स में उनकी बॉडी डिवाइडेड होती है. उनके टोटल सिक्स लेग्स होते हैं. कोई भी इंसेक्ट का जब हम देखने जाए तो उनके कितना लेग्स होते हैं, कितने पैर होते हैं, सिक्स. मोस्ट इंसेक्ट हैव हार्ड कवरिंग मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड चिट्टी. अभी हम लोग कॉकरोच को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, हमारे घर पे बहुत बार घूमता रहता है, कहीं देखते हैं तो उसका जो ऊपर का कवर होता है बॉडी का वो थोड़ा सा हार्ड होता है, कड़क होता है, उसका नाम क्या है, चिटिन. उसको बोला जाता है चिटिन क्योंकि उसके बैकबोन तो है नहीं, तो उसको कुछ तो हार्ड करना पड़ेगा ना, वरना तो वो इजी मर जाएंगे. जैसे हम उसको दो तीन बार कहीं पे मारेंगे तो वो ऐसा पूरा थोड़ा वीक हो जाता है क्योंकि उसके बोन नहीं होते, बट उसका कवर होता है एक हार्ड, उसे बोला जाता है चिटिन. और कुछ होते हैं इंसेक्ट जो उड़ जाते हैं, जैसे मस्कीटो है, बटरफ्लाई है, हनी बी है. तो ये हमने पढ़ा ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होता, उनमें बैकबोन नहीं होता और उनकी बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन. और जो उनका आउटर कवरिंग होता है हार्ड, उसे बोला जाता है चिट्टी. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एनिमल्स विथ बैकबोन. नाउ कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं बहुत सारे जिनमें बैकबोन होता है. ओके, सो जिनमें बैकबोन होता है, एनिमल्स दैट हैव बैकबोन, उसे बोला जाता है वर्टिब्रेट्स. तो जिनमें नहीं होता उनमें इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें होता है उनको बोला जाता है वर्टिब्रेट्स. अभी वर्टिब्रेट्स भी आगे फाइव छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है फिश, सेकंड एम्फीबियंस. तो लेट अस रीड वन बाय वन, एक एक करके हम लोग इसको समझ रहे हैं. तो फिश का जब बोलेंगे, फिश वर्टिब्रेट के अंदर आता है कैसे, तो फिशेस क्या होती है, जो पानी में रहते हैं. ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो ज़्यादातर हम उसको फिश बोलते हैं.
और उस कैसे बोलेंगे, पानी में तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो सारे फिश होंगे? नहीं, जो फिश होती है ठीक है उसमें गिल्स होते हैं, उसमें फिन्स होती है स्विमिंग करने के लिए। जो साइड में आपको दिख रहा है पीछे उसकी पूंछ है, टेल है, छोटा छोटा जो साइड में दिख रहा है फिन्स है, उससे वो स्विमिंग करते हैं और ब्रीथ करने के लिए उनके गिल्स होते हैं। ओके, गिल्स यानी कि जैसे हमारे लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए नोज से, वैसे ही फिश में गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। और उनकी पूरी बॉडी में स्केल्स होती है, ऐसे राउंड 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 करके कुछ पैटर्न होती है, दे आर दी स्केल्स। ओके, तो इस पूरी जो भी फीचर्स वाली चीज़ होती है उसे हम फिश बोलते हैं। एग्जांपल यहाँ पे फिश के एग्जांपल दिए हैं कॉड, मैकरेल एंड शार्क। कॉड, मैकरेल एंड शार्क, ये तीनों फिश के नाम हैं। ओके, दीज आर द नेम ऑफ द फिश, ये फिश के नाम है। फिश तो बहुत सारे टाइप की होती है, बट ये आपको नेम्स दिए हैं। ये इसका फोटो मैंने पार्ट वन के वीडियो में डाला हुआ है, इफ़ यू हैव नॉट सीन इट, उसमें मैंने न्यू वर्ड्स में ये इसके पिक्चर डाले हुए हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी, एम्फीबियन। व्हाट इज एम्फीबियन? एम्फीबियन आप लोग को आगे भी पढ़े होंगे कि ऐसे एनिमल्स जो दोनों लैंड और वाटर दोनों जगह पर रहते, मतलब ऐसे कुछ एनिमल्स होते जो पानी में भी रह सकते और ज़मीन पर भी रह सकते, तो उन ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे एम्फीबियन। अभी वो ब्रीथिंग कैसे करते? तो जब वो ज़मीन पे होंगे यानी कि लैंड पे होंगे जहाँ पे हम रहते हमारे साथ, तब वो ब्रीथ करेंगे हमारी तरह थ्रू लंग्स। हमारे जैसे लंग्स से हम ब्रीथ करते वैसे वो एनिमल्स भी ज़मीन पे जब आएंगे तब लंग्स से ब्रीथ करेंगे, और जब वो पानी में जाएंगे तब वो अपनी स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन मतलब कि गीली स्किन, उन जब हम पानी में जाते तो स्किन गीली हो जाती है चमड़ी, तो उसके थ्रू वो ब्रीथ करेंगे। तो ये है एम्फीबियन का कैटेगरी का एक्सप्लेनेशन। अभी इसके एग्जांपल्स हम देखें तो फ्रॉग, टॉड एंड न्यूट। न्यूट का पिक्चर ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, दिस इज न्यूट, इसका नाम है जो दोनों में रहता है, फ्रॉग और टॉड। ये हमने ऑलरेडी आप लोगों को आप लोगों ने देखा ही है फ्रॉग कैसा होता है, टॉड भी फ्रॉग जैसा ही होता है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज रेप्टाइल्स। जो थर्ड कैटेगरी है वर्टिब्रेट्स में, यानी जिनका बैकबोन होता है, हम अभी वही पढ़ रहे हैं ठीक है, तो उसकी थर्ड जो कैटेगरी है वो है रेप्टाइल्स की। अभी रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स एक बहुत ही अलग टाइप की कैटेगरी है। इसमें क्या दिया गया है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, दीज एनिमल्स लिव ऑन लैंड। तो रेप्टाइल्स की जो कैटेगरी है वो ज़्यादातर ज़मीन पर ही रहते हैं। ओके, और वो अपनी जो उनकी स्किन होती है उसमें स्केल्स या ऐसे कुछ ना कुछ होता है, जैसे क्रोकोडाइल आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में दिया है, क्रोकोडाइल जो एग्जांपल है रेप्टाइल्स का, तो उसमें यू कैन सी उसके बॉडी पे से काटे काटे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ठीक है। फिर उसके अलावा स्नेक इसका एग्जाम्पल है, लिजार्ड इसका एग्जाम्पल है, तो उन सबकी बॉडी में कुछ स्केल्स या कुछ लाइनिंग्स ऐसा कुछ आपने देखा होगा। ओके, तो ये होता है, और ये हमेशा एग ले करते हैं। जैसे हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था दो तरीके के एनिमल्स होते, एक एग ले करते हैं और एक बर्थ देते हैं यंग वन को। तो जितने भी रेप्टाइल्स है वो सारे के सारे एग ले करते हैं, वो अंडे देते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल है, लिजार्ड है, स्नेक है, ऑल आर एग लेइंग ठीक है। इसके अलावा जो बताया गया है वो ये है कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिश है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, यानी कि ये कैटेगरी अभी हमने जो पढ़ी इसके आगे जो हमने एम्फीबियन पढ़ा फ्रॉग, न्यूट, टॉड, उसके अलावा फिश जो हमने पढ़ा, फिश वाली कैटेगरी शार्क, ये सब क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। अभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स दैट दैट बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। इसका मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को आजू बाजू के टेम्परेचर के साथ मैच करके चेंज करते हैं, यानी कि अगर बाहर गर्मी है तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को इस तरीके से बना लेंगे कि उसको गर्मी नहीं लगेगी, अगर बाहर ठंडी है तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को उस तरीके से बना लेंगे कि उनको बाहर ठंडी नहीं लगेगी। आ रही है बात समझ में? तो वो बॉडी टेम्परेचर को जो चेंज करते हैं आजू बाजू को के टेम्परेचर से मैच करने के लिए, उस सारे एनिमल्स को हम बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दे ऑल आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हियर गिवन इज ऑफ बर्ड्स।
नेक्स्ट कैटेगरी जो है बैकबोन की, वो है बर्ड्स की कैटेगरी। तो बर्ड्स तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो लाइट, उनकी बॉडी बहुत लाइट वेट की होती है क्योंकि उनके बोन्स हॉलो होते हैं। ये हमने चैप्टर 9 में ऑलरेडी पढ़ा था, आगे बताया था मैंने। ओके, उनकी बॉडी में फेदर्स होते हैं, विंग्स से उनकी बॉडी, दो पंख होते हैं उसको उड़ने के लिए। जैसे हमारे हाथ है, हमारे हैंड्स है, उनके वो हैंड्स विंग्स के फॉर्म में कन्वर्ट या मॉडिफाई हो गए होते क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी होती है कि वो उड़ सके। तो उनको हाथ से वो उड़ नहीं सकते, उनको पंख चाहिए, इसीलिए विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। और पूरे विंग्स उनके फेदर्स से जो होते हैं उससे कवर होते हैं, फेदर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप कोई भी बर्ड का लिख सकते हो, हमिंग बर्ड है, स्पैरो है, ईगल है, पीजियन है, ये सारे बर्ड्स हम बहुत सारे बर्ड्स देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में भी। पिक्चर में आपको हमिंग बर्ड दिया गया है जो बहुत छोटा सा होता है। इसके अलावा कुछ बर्ड्स ऐसे भी है जिनके बारे में आप लोग जानते हो नहीं जानते हो कि वो उड़ नहीं सकते। भले वो बर्ड तो है बट वो उड़ नहीं सकते। तो हम ज़्यादातर क्या समझते कि जो भी उड़ सकते हैं वो सारे बर्ड होते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। बट सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस का मतलब क्या होता है कि जो उड़ नहीं सकते हैं। ओके, एग्जांपल ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, ये सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का वेट ज़्यादा होता है। ओके, जैसे ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा बर्ड, लार्जेस्ट बर्ड, बिगेस्ट बर्ड या लार्जेस्ट बर्ड जो है वो क्या है, ऑस्ट्रिच। हमसे भी बड़ा होता है वो, वजन में भी, देखने में भी, साइज में भी, शेप में भी। तो वो उसके पंख इतने छोटे होते कि वो उड़ नहीं सकता। सेम फॉर पेंगुइन। पेंगुइन ठंडी वाली जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ठंडी होती है। ठीक है, उनमें भी ऐसा ही होता है, उनका बॉडी वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो उड़ नहीं सकते। दे आर नोन एज फ्लाइटलेस बर्ड। तो जो उड़ नहीं सकते हैं उनको क्या बोला जाता है, फ्लाइटलेस। फ्लाइट यानी उड़ना, और नहीं उड़ सकते यानी लेस, फ्लाइटलेस। ओके, यहाँ पे फैक्ट फाइल में दिया है दैट हमिंग बर्ड्स आर द स्मॉलेस्ट बर्ड्स इन द वर्ल्ड। ये जो हमिंग बर्ड आपको दिखाया है पिक्चर में, वो सबसे छोटा बर्ड होता है पूरे दुनिया में। जितने भी बर्ड्स की कैटेगरी हम पढ़ते, सबसे छोटा है हमिंग साइज में। नेक्स्ट द लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस वर्टिब्रेट्स इज मैमल्स। ओके, मैमल्स जो है, व्हाट आर मैमल्स? मैमल्स भी हमने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा था। मैमल्स आर द एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू देयर बेबीज। वो डायरेक्टली जो बेबीज़ को जन्म देते हैं, वो एगले नहीं करते, अपने ही जैसे बेबी को जन्म देते हैं, उसे हम मैमल्स बोलते हैं। यहाँ पे पिक्चर आपको गोट का दिया गया है, जैसा आप देख सकते हो छोटा सा बेबी है। ओके, नाउ यहाँ पे और एक चीज़ जो दी गई है वो है देयर बॉडीज हैव हेयर एंड द मदर सकल देयर यंग वंस। इसका मतलब क्या होता है? सकल का मतलब नीचे दिया है, टू अलाउ टू सक मिल्क। आप यहाँ पे फोटो में देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो बेबी है वो उन गोट का, जो मदर गोट है उसका मिल्क पी रहा है। ओके, सो वो सकल यानी कि वो जो दूध पीता है, और उनके मदर उनको जो अपना दूध पिलाते हैं उसे हम सकल बोलते हैं। चाहे वो बेबीज एनिमल के हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के हो, जब वो छोटे होते तब उनको मदर मिल्क चाहिए होता है, मम्मी का दूध चाहिए होता है, तो वो उसको जो पिलाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, सकल। ओके, उसके अलावा उनके ब्रीथिंग के लिए लंग्स होते हैं, जैसे हमारे में है वैसे ही सारे एनिमल्स में, मैमल्स में होते हैं। फोर लिम्स होते हैं मैमल्स में, एनिमल्स जो है वो फोर लिम्स, लिम्स यानी कि दो हाथ दो पैर, जैसे हमारे में है, हम दो हाथ दो पैर बोलते हैं, उनमें चार पैर होते हैं। ओके, उनमें जैसे गोट, काउ, बफेलो, सब में क्या होते हैं, चार पैर होते हैं, लेग्स ओनली, दे डोंट हैव हैंड्स। बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। आगे की तीन कैटेगरी हमने पढ़ी जो थी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि अपने टेम्परेचर को, अपना बॉडी को वो आजू बाजू के तापमान से, टेम्परेचर से वो चेंज करता है, बट जबकि मैमल्स और बर्ड्स है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बाहर ठंडी है तो हम हमारे बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठंडी लग रही है हमें तो हमें स्वेटर पहनना पड़ता है टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए। ओके, बट हम हमारे बॉडी टेम्परेचर को ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो ठंडी लग रही है तो तुम भी ठंडे हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि उनका बॉडी टेम्परेचर सेम ही रहता है सराउंडिंग या आजू बाजू में, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, उससे हमारे बॉडी टेम्परेचर में कुछ भी चेंजेस नहीं आ सकते। ऐसे एनिमल्स को
वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है. ओके, एग्जांपल्स है मैमल्स के ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, हॉर्स, गोट, काउ, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, जिराफ, एलिफेंट, ज़ीब्रा, हिप्पोपोटामस, ये सारे एग्जांपल्स हैं मैमल्स के जिनकी बॉडीज पे हेयर होते हैं एक, और जिन जो यंग वन को बर्थ देते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी. अभी हमने अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ा, अभी हम उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो कहाँ रहते हैं, कौन से एनिमल्स कहाँ रहते हैं और उनको क्या बोला जाता है. सो एनिमल्स फाउंड ऑन लैंड, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ ट्रीज पे रहते हैं, कुछ एयर में रहते हैं हवा में, कुछ वाटर में रहते हैं, हमने देखा है ना, कुछ ज़मीन पे ही रहते हैं, कुछ पानी के अंदर ही रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते रहते हैं, कुछ ट्रीज पे ही रहते हैं. तो ये सारी उनकी अलग अलग कैटेगरी है. कुछ एनिमल्स दोनों में रहते हैं, लैंड और वाटर, तो इसके अकॉर्डिंगली हम उसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल, आर्बोरियल, एरियल, एक्वाटिक एंड एम्फीबियन. ठीक है, तो वन बाय वन हम सब पढ़ेंगे, आपको इसका मीनिंग समझ में आता जाएगा. एक 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 करके पांच कैटेगरी है, टेरेस्ट्रियल, आर्बोरियल, एरियल, एक्वाटिक एंड एम्फीबियन. तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते, जैसे हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ा था आगे के चैप्टर में, ठीक है, वैसे ही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब जो ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पे रहते. अभी उनको ज़मीन में क्यों रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इस तरीके से गॉड ने, भगवान ने बनाई है कि वो ज़मीन पे ही रह सकते हैं. उनके चार पैर होते हैं चलने के लिए, उनको लंग्स होता है ब्रीथिंग करने के लिए, ठीक है, तो उस हिसाब से वो लैंड पे रह सकते हैं, दूसरी जगह पे वो कम रह सकते हैं. फिर यहाँ पे और एक चीज़ दी गई है, दैट क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अभी हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पे फोटो में, एक याक दिया है आपको और एक कैमल दिया है. तो याक जो है उसकी आप बॉडी को देखो तो उसकी बॉडी में बहुत सारे बाल हैं, पूरी उसकी बॉडी कवर, उसके लेग्स, उसके जो पैर है वो भी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, ठीक है. जबकि अब कैमल में देखो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाल ही नहीं है, उसकी स्किन ही नहीं है, उसकी बॉडी पे बाल ही नहीं है, जैसे सिर्फ स्किन स्किन ही है ना. तो क्योंकि याक जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ज़्यादातर माउंटेन वाले जगह पे, पहाड़ वाले एरिया में जहाँ बहुत ठंडी होती है. और कैमल हमें कहाँ देखने को मिलता है, डेजर्ट में, जो रेगिस्तान होता है जहाँ धूल मिट्टी यही होता है. तो उस हिसाब से दोनों की बॉडी बनाई जाती है. तो ठंडी में बहुत सारी ठंडी लगती है तो याक की बॉडी पे बाल होते हैं, बाल उनको गर्मी देते हैं. ओके, इसीलिए वो गर्मी, वो ठंडी वाली जगह पे रह सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी पे बहुत सारे बाल हैं. और कैमल दूसरी जगह पे, उसकी बॉडी पे बहुत कम बाल होते हैं क्योंकि उसको गर्मी में रहना होता है. सो दिस इज द टू कंपैरिजन बिटवीन कोल्ड प्लेस एंड हॉट प्लेस. तो कोल्ड रीजन में और पोलर रीजन यानी जहाँ बहुत बर्फ गिरती हो, जैसे कश्मीर साइड है वो सब पोलर रीजन, बहुत जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पे याक जैसे एनिमल्स रह सकते हैं. पोलर बियर है वो भी रह सकते हैं क्योंकि उसकी बॉडी में भी बहुत सारे बाल होते हैं. बाकी कैमल है वो हमेशा डेजर्ट में मिलेगा. कैमल कभी भी हमें देखना माउंटेन पहाड़ों पे देखने को नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं रह सकता, उसको वहाँ पे बहुत ठंडी लगती है. और याक है वो गर्मी वाली जगह पे नहीं रह सकता, वहाँ पे वो गर्मी से ही वो मर जाएगा. ओके, सो ये हो गया फर्स्ट. देन यहाँ पे दूसरी चीज़ जो दी गई है टेरेस्ट्रियल में वो ये है कि जो बहुत ठंडी वाली जगह पे रहते हैं, जैसे कि सील है, पेंगुइन है, वॉलरस है. ये सील और वॉलरस और इनका फ़ोटो मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट वन वीडियो में डाला हुआ है. ओके, न्यू वर्ड्स में, तो आप लोग उसमें से देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो. ये जो है ये बहुत ज़्यादा ठंडी वाली जगह पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ पर रहते हैं, ठीक है. वहाँ पे सनलाइट होती नहीं, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है सब जगह पे. तो अभी वो कैसे ज़िंदा रहेंगे, सभी के बॉडी पे तो बाल होते भी नहीं है. जैसे पेंगुइन है उसकी बॉडी पे बाल नहीं होते, सील और वॉलरस में भी इतने नहीं होते. तो वो ज़िंदा रहने के लिए उनकी उनके बॉडी में भगवान ने उनकी बॉडी को ऐसा बनाया है कि बहुत एक थिक लेयर होती है फैट की. फैट हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था जो चर्बी होती है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट, ये सब. तो फैट जो होता है वो चर्बी जो होती है ज़्यादातर एक्स्ट्रा बॉडी में हमारे, वो उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, पूरी जगह पे होती है. उसे क्या बोला जाता है, ब्लब्बर.
तो उनकी बॉडी में वो ऑटोमेटिक होता है, गॉड गॉड गिफ्टेड होता है कि उनकी जो स्किन होती है ऊपर की चमड़ी होती है उसके नीचे एक पूरा फैट का लेयर होता है जिसको बोला जाता है ब्लबर। वो क्यों होता है? ताकि वो उनकी बॉडी को गर्मी दे सके। फैट जो चर्बी होती है वो इसीलिए होती है ताकि वो ठंडी वाली जगह पर रह सके और उनकी बॉडी को वो गर्मी दे सके, ठीक है, और वो बच जाए ठंडी से। उसके अलावा यहाँ पे और एक बहुत डिफरेंट चीज़ दी गई है जो आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा शायद कार्टून वगैरह में, कि कुछ एनिमल्स है वो क्या करते हैं जब ठंडी आती है ना तब वो अंदर चले जाते हैं अपने घर में, इग्लू में या अपने जो बनाया होता है उन्होंने घर उसके अंदर, और वो बहुत महीने तक बाहर ही नहीं निकलते हैं। यानी कि वो जैसे कि ठंडी 6 महीने चलती है या विंटर विंटर सीज़न जब तक चलता है 3 महीना या 4 महीना, तब तक वो क्या करते हैं, वो अपने घर में अंदर रहते हैं घुस के, वो बाहर नहीं निकलते ठंडी की वजह से। ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन। ओके, ऐसे एनिमल्स जो ये प्रोसेस को, ये विंटर स्लीप करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? विंटर स्लीप। यानी कि वो जब तक विंटर सीजन चलेगी 3 महीने 4 महीने तब तक वो इनएक्टिव होंगे, बिल्कुल एक्टिव नहीं होंगे, सोते ही रहेंगे वो। यानी कि 4 महीने तक वो सोते रहेंगे पूरे विंटर सीजन में। ऐसे को बोला जाता है हाइबरनेशन। और ये कौन करता है? एनिमल्स लाइक बियर, जो बियर है, फ्रॉग है, स्नेक है, ये सब विंटर सीजन में गायब हो जाते हैं बिल्कुल। आप देखना विंटर सीजन में आपको स्नेक देखने को नहीं मिलेगा, आपको फ्रॉग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब अंदर अपने घर में चले जाते हैं क्योंकि उनको फूड नहीं मिलता है। फूड इज स्केर्स, स्केर्स का मतलब फूड की बहुत कमी होती है, सब जगह पे बर्फ़ गिरी होती है तो फूड नहीं मिलता है खाना, और दूसरा ठंडी की वजह से वो क्या करते, सो जाते हैं, वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो भालू होता है वो समर सीजन में 6 महीने तक वो खाना कलेक्ट करता है अपने जो गुफा होती है उसमें, फिर वो वहीं पर रहता है, उसी में खाएगा, उसी में सो जाएगा, वहीं पर वो बाहर ही नहीं निकलता है। ओके, दैट इज़ नोन एज हाइबरनेशन। तो विंटर स्लीप यानी कि ठंडी की जो ठंडी के मंथ में जो सो जाते हैं एनिमल्स, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन। नेक्स्ट इज गिवन हियर सच एंड सम एनिमल्स जो, अभी तो ये विंटर सीजन की बात है, पर कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो समर के महीने में सो जाते हैं, गर्मी उनसे सहन नहीं होती है, गर्मी की वजह से वो बाहर नहीं निकलते तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और गर्मी में वो बहुत ज़्यादा लंबी स्लीप पे चले जाते हैं, 3-4 महीने जब तक गर्मी का महीना होगा तब तक वो सोएंगे, उसे क्या बोलेंगे हम? एस्टिवेशन। ओके, तो जो विंटर स्लीप करता है, जो ठंडी में सोता है उसे बोलेंगे हाइबरनेशन, और जो समर स्लीप करता है या गर्मी में सो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, उसे बोलेंगे हम एस्टिवेशन। ओके, तो यहाँ पे ये जो बताया गया है कि जैसे कि कैमल है, कैमल इसमें आएगा क्योंकि कैमल जो होता है वही एक गर्मी वाली जगह पर रह सकता है, तो गर्मी जहाँ होती है वहाँ पे वो क्या करेगा, बहुत सारा पानी एक साथ पी लेगा, ठीक है, क्योंकि कैमल के बॉडी में एक हम्प होता है जहाँ पे पानी वो स्टोर करके फिर उसकी बॉडी के अंदर रख सकता है, तो एक साथ वो बहुत सारा पानी पी लेगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी सब स्लो हो जाएगी समर सीजन में क्योंकि गर्मी ही इतनी होती है कि कुछ नहीं कर सकते, तो वहीं से फिर वो पानी लेगा और विदाउट वाटर वो पानी पिए बगैर भी बहुत सारे दिनों तक जिंदा रह सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी उसने एक साथ पूरा पानी पी लिया होता है। ओके, सो समर स्लीप इज नोन एज एस्टिवेशन। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी हियर इज एक्वाटिक एनिमल्स। दूसरी जो कैटेगरी है वो है एक्वाटिक की, सेकंड, फर्स्ट हमने टेरेस्ट्रियल पढ़ा, दूसरा है एक्वाटिक। एक्वाटिक यानी कि जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उसे हम एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। इसमें आपको एग्जांपल्स दिया हुआ है जैसे ऑक्टोपस है, टर्टल है, उसके अलावा फिश है, क्रैब है, ये सब के सब हमें पानी में देखने को मिलते हैं, वेल और डॉल्फिन। अभी एक्वाटिक एनिमल्स कैसे रहते हैं जिंदा पानी के अंदर, जैसे बताया कि उनमें फिन्स होते हैं या पैडल्स होते हैं। फिन्स यानी कि जो उनके छोटे छोटे पंख टाइप का होता है, और पैडल्स यानी कि जो आप टर्टल यहाँ पे देखो, टर्टल का फोटो है उसमें, उसने जो ज़मीन पे आएगा तो वो उसके हाथ बन जाएंगे या पैर बन जाएंगे जिससे वो चलता है ज़मीन पे, है ना, धीरे धीरे कछुआ चलता है ना, तो उसके जो आगे के दो होते हैं पैर
वो अभी पानी में जाने के बाद वो ऐसे सीधे पैडल की तरह बन जाते हैं, जैसे स्विमिंग करने के टाइम पे हम पैर पे पहनते हैं ना जो पैडल, वैसा बन जाता है उसका हाथ और पैर पानी में जाने के बाद। जैसे ही वो ज़मीन में आएगा वो हाथ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वही होता है, वो ऐसे पैडल की तरह यूज़ करते हैं स्विम करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द एक्वाटिक, वेरी इजी। जो एक्वाटिक यानी कि पानी में रहते हैं वो अपने गिल्स से ब्रीथ करते हैं। बाकी वेल्स और डॉल्फिन्स है उसका मैं ऑलरेडी हमने आगे के 9 चैप्टर में पढ़ा था कि वो उनके बॉडी में होल होता है, वो बार बार पानी के बाहर आएंगे और ब्रीथिंग करेंगे। बाकी सारे जो पानी में रहते हैं उनमें गिल्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं। ऑक्टोपस के ये बहुत सारे पैर होते हैं, आप देख सकते हो नीचे बहुत सारे लेग्स है उसके, 8 to 10 लेग्स होते हैं, तो उससे वो मूव करता है, तैरता है, फ्लोट करता है, उसी से वो सब कुछ करता है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरीज इज थर्ड वन इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो दोनों में रहते हैं, लैंड और वाटर। तो एम्फीबियंस आर सच एनिमल्स विच लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। तो जब वो लैंड पे रहेंगे, ठीक है, तो उनके जो बैक लेग्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि फ्रॉग। हम अगर एम्फीबियन का एक अच्छा एग्जांपल ले तो वो फ्रॉग का ले सकते हैं। फ्रॉग और टॉड दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, थोड़े थोड़ी अलग होते हैं कलर में। तो उनके पीछे के लेग देखो, फ्रॉग का पीछे का लेग दो होता है, वो इतना लंबा होता है, बड़ा सा है ना, जब वो जंप करते तो नीचे का लेग लंबा होता है और आगे के जो दो लेग होते हैं उसके वो छोटे से होते हैं। क्यों? वो स्ट्रांग होते ताकि वो जंप कर सके लैंड पे। फ्रॉग को कभी चलते हुए देखा है आप लोगों ने, कैसे धीरे धीरे चल रहा हो? नहीं, फ्रॉग को अगर कभी भी आगे जाना हो तो वो हमेशा जंपिंग करके ही आगे जाएगा। रैबिट भी ऐसा ही करता है, रैबिट जो होता है वो जंप करके ही आगे जाएगा, वो चल लेगा नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो पानी में रहते तब उनकी वेब्ड फीट होती है, जैसे फ्रॉग है अभी वो लैंड पे आया तो वो जंप करके चलेगा, जब वो पानी में जाएगा तो उनकी फीट क्या होती है? वेब्ड फीट होती है। वेब्ड फीट का भी फोटो मैंने फर्स्ट पार्ट में डाला हुआ है। जैसे डक की फीट होती है, उनकी जो उंगलियां होती है पैर की और हाथ की, वो स्किन से जॉइंट होती है, जैसे हमारी उंगलियों के बीच में जगह है, ठीक है, वैसे उनकी उंगलियों के बीच में जगह नहीं होती है, वो स्किन से जॉइन होती है। क्यों? ताकि वो पानी में जाके ईजिली स्विम कर सके, उनके वो हाथ पैर वो पैडल बन जाए, इसी रीज़न की वजह से। ओके, इसीलिए डक में भी, डक के पैर में भी ऐसी जॉइंट स्किन होती है, जो पानी में तैरते हैं उनमें ऐसा ही होता है, उनको बोला जाता है वेब्ड फीट। जो उनके फिंगर्स है, टोज की जो उंगलियाँ होती है वो जॉइंट होती है स्किन से। ओके, सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ एम्फीबियन। फोर्थ कैटेगरी इज आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स का सिंपल मीनिंग है ऐसे एनिमल्स जो पेड़ पे रहते हैं, ट्रीज पे ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि लैंड पे या उस पे, ट्रीज पे, वो ज़्यादातर ट्रीज पे ही रहते हैं, तो वैसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? आर्बोरियल एनिमल्स। अभी इसमें क्या होता है, उनके क्लॉज यानी कि उनके नाखून इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि वो ट्रीज़ को ईजिली क्लाइंब कर सकते हैं, उसमें चढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको देखो जो एक फ़ोटो दिया है वो है कोआला का, ठीक है, कोआला बियर करके एक होता है, वो पांडा भी आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है, वो भी ज़्यादातर ऐसे पेड़ को चिपक के खड़ा होता है ट्रंक में और पेड़ पे ऐसा लिपटा होता है। मंकी है, चिंपांजी है, मंकी ज़्यादातर डाली पे पेड़ पे होते हैं ना, फिर वो जंपिंग करते हैं, तो वो जंप करने के लिए ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के लिए उनके नाखून क्लॉज यानी कि नाखून, ठीक है, नेल्स जो हमारे नेल्स होते हैं उनके वैसे क्लॉज बोला जाता है, वो बहुत शार्प होते ताकि वो गिरे नहीं, पकड़ सके अच्छे से, और उनकी लिम्स यानी कि ये जो हमारे हाथ में मसल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं हाथ और पैर के, ताकि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करे तो वो गिरे नहीं और अच्छे से पकड़ के रख सके डाली को, ब्रांचेस को। ओके, और उनकी टेल भी कभी कभार लंबी होती है, आपने देखा है ना मंकी की टेल कितनी लंबी होती है, पूंछ जो होती है मंकीज की या चिंपांजीज की लंबी होती है, क्यों? ताकि वो जब जंप करे तो अपनी टेल का भी मदद ले सके ब्रांच को पकड़ने के लिए। सो दिस इज अ कैटेगरी ऑफ आर्बोरियल। आर्बोरियल का मतलब ऐसे एनिमल्स जो पेड़ पे रहते हैं ज्यादातर टाइम। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ एरियल एनिमल्स। जो फिफ्थ लास्ट कैटेगरी है वो है एरियल एनिमल्स की। एरियल एनिमल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो ज़्यादातर टाइम उड़ते रहते हैं या हवा में ही अपना टाइम, लॉट ऑफ टाइम वो स्पेंड करते हैं हवा में, यानी कि उड़ने में।
ओके, तो उड़ता कौन है? बर्ड्स। तो सारे मोस्टली जितने भी बर्ड्स हैं उड़ने वाले, वो सारे ये एरियल कैटेगरी में आएंगे। ओके, जैसे पीजियन है, देन ईगल है, वल्चर है, देन स्पैरो है, ये सारे ज़्यादातर बर्ड उड़ते ही रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उसे हम एरियल एनिमल्स बोलेंगे। अभी ये कैसे उड़ सकते हैं, क्यों? बिकॉज उनके बोन्स हॉलो होते हैं, हॉलो यानी कि अंदर से खाली। तो उनके बोन्स अंदर से खाली होते हैं, जैसे बैम्बू हमने पढ़ा था अंदर से खाली होता है, वैसे ही लोटस के जो स्टेम्स है वो खाली होते हैं अंदर से, वैसे ही जो बर्ड्स के बोन्स होते हैं हड्डियाँ, वो अंदर से उसमें होल्स होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो उड़ सकते हैं, उनकी बॉडी का वेट लाइट हो जाता है और वो ईजिली उड़ सकते हैं। ठीक है, और उनका बॉडी का शेप भी भगवान ने इस तरीके से बनाया होता है कि वो विंड को, जैसे उड़ेंगे तो हवा को कट करना पड़ता है ना, हवा होती है पूरे में, तो वो इजीली उसको कट करके आगे बढ़ सकते हैं अपने विंग्स के थ्रू। इसीलिए उनको एरियल एनिमल्स में बोला गया है बर्ड्स, वो उड़ सकते हैं क्योंकि उनका बॉडी भी आगे से ऐसा होता है, आगे ऐसे चोंच होती है उसकी, फिर ऐसा छोटा सा सर होता है, तो वो उसको, उसकी जो बीक होती है, उसकी जो मुंह में मुंह होता है, बीक होती है उसकी, चोंच होती है, उससे वो विंड को कट करके आगे मूव कर सकते हैं, अपने लिए उड़ने की जगह बनाते हैं। ठीक है, तो सारे बर्ड्स इसमें आएंगे एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड। हमने जो आगे फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में पढ़ा, जैसे पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, ये सब ये एरियल एनिमल्स में नहीं आएंगे क्योंकि वो उड़ ही नहीं सकते, तो वो एरियल एनिमल्स में नहीं आ सकते। ओके, देन बैट्स हो, बैट्स जो होते हैं ना वो भी इसी में आएंगे। बैट हम सबको पता है, जो बैट चामा चिड़ी हम जिसको बोलते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आता है क्योंकि वो भी उड़ता ही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और एक चीज़ दी गई है कि जब ठंडी ठंडियाँ आती हैं, हम आप लोगों ने देखा भी होगा ये बहुत बार, और अभी आने भी वाली है, अगर नहीं देखा होगा तो अभी आप देखना, अभी विंटर सीज़न विल स्टार्ट सून। ठीक है, विंटर सीज़न अभी शुरू होने वाली है थोड़े दिनों के बाद, तो आप लोग ऑब्जर्व करना ये चीज़ को कि आप लोग बहुत सारे बर्ड्स को ऐसे झुंड में उड़ते हुए देखते होंगे कि एक साथ ऐसे कुछ फॉर्मेशन वी शेप बनाया है या टी शेप बनाया है, सारे बर्ड्स लाइन में जा रहे हैं, एक लाइन में अच्छे से वो जा रहे होते हैं। तो वो क्या है, क्योंकि देखो ठंडी के मौसम में जैसे मैंने बताया कि फूड की कमी हो जाती है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब खाना बहुत कम मिलता है, तो कुछ एनिमल्स है वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जैसे हमने आगे देखा बियर है, वो सब क्या करते हैं, स्नेक ये सब सो जाते हैं, और बाकी जो है जैसे बर्ड्स है वो क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे फूड के सर्च में, या गर्मी वाली जगह पे, तो जहाँ बहुत ठंडी है वो उस जगह को थोड़ी दिनों तक छोड़ देंगे और वो गर्मी वाली जगह पे या कंट्री में या सिटी पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि उड़ते हैं गर्मी जब तक उनको लगती नहीं है तब तक। ठीक है, फूड के सर्च में और एटमॉस्फेयर के सर्च में गर्मी की वजह से, तो ये सारी चीज़ों को, ये जो मूवमेंट होता है मास मूवमेंट, यानी कि एक दो बर्ड्स नहीं जाएंगे, सारे के सारे चले जाएंगे, जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पे जितने भी बर्ड्स रह रहे होते हैं सारे के सारे वो जगह को छोड़ देते हैं जब तक ठंडी होती है वहाँ पे, और वो दूसरी जगह पे जहाँ गर्मी वाली जगह होती है वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। इट इज़ नोन एज माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे बोला जाता है माइग्रेशन। ओके, तो ये ठंडियों के सीज़न में होता है, इसीलिए आप देखते होंगे, देखा होगा तो, कि बर्ड्स है वो बहुत सारे ऐसे चलते रहते हैं स्काई में, बहुत सारे झुंड में उड़ते रहते हैं, क्योंकि ठंडी होती है तो वो अपना खाना ढूंढते हैं, अपने रहने के लिए नई जगह ढूंढते हैं, एक साथ ग्रुप में करते हैं ये। नाउ ये तो हो गई 5 कैटेगरीज जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, हाउ दे लिव। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज व्हाट एनिमल्स ईट। अभी वो जहाँ भी रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, पानी में रहते हैं या हवा में रहते हैं, तो वो खाना क्या खाते हैं, अलग अलग कैटेगरी है खाने के लिए। सो 3 कैटेगरीज ऑलरेडी हम लोगों ने 3rd स्टैंडर्ड में 4th स्टैंडर्ड में दोनों में पढ़ी है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एनिमल्स पढ़े थे। इसमें 2 और कैटेगरी ऐड हो गई है, वो है स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। ओके, तो फूड के लिए 5 कैटेगरीज है, जो खाना खाते हैं उसके नाम है हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। तो फर्स्ट कैटेगरी जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको यहाँ पे, वो है हर्बीवोरस की। हर्बीवोरस यहाँ पे फोटो दिया है काऊ का, काऊ, बफेलो, गोट, शीप, ये जिराफ, ज़ीब्रा, ये सारे एग्जाम्पल है
हर्बीवोरस के. वॉट आर हर्बीवोरस एनिमल्स? एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट. प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं और उसमें से निकलने वाले फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, ऐसे सारे एनिमल्स को हम हर्बीवोरस बोलेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें ऐसे टाइप के दांत होते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जो मोलार्स और प्री मोलार्स हमने पढ़ा था. ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते ताकि वो खाने को चबा सके. और यहाँ पे आपको और एक चीज़ दी गई है कि वो जो प्लांट फूड खाते हैं, ठीक है, जो पत्तियों वाला खाना होता है, लीफ वाला, उसमें बहुत सारा क्या होता है, सेल्यूलोस. ओके, उसमें बहुत सारा सेल्यूलोस होता है, वो एक टाइप का सब्सटेंस होता है जिसको बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है और वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है तोड़ने में. जो लीफ हम तोड़ते हैं तो वो हार्ड होती है ना, क्योंकि उसमें सेल्यूलोस होता है, वो उसको बहुत हार्ड बना देता है. और जब वो चबाएंगे तो खाना भी उसके लिए, हमारे लिए या एनिमल्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक डाउन होना, यानी कि उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होना, डाइजेशन में टाइम लगता है. इसीलिए आपने देखा हो कि काऊ, बफेलो गोट, ये सब जो है वो बहुत देर तक मुंह में चबाते ही रहते हैं भर के खाना, है ना, वो च्यूइंग करते ही रहते, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा, वो जो खाना खाते हैं प्लांट का, उसमें जो सेल्यूलोस होता है लीव्स में या प्लांट में, उसको टूटने में, छोटे छोटे पीसेस में होने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ कार्निवोरस. कार्निवोरस एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ओके, जैसे कि लायन, टाइगर, स्नेक है, लिजार्ड है, ये सब सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाएंगे, ये प्लांट और ये सब नहीं खाएंगे. सो दे आर नोन एज दी कार्निवोरस एनिमल. वो ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें बहुत जो कैनाइंस होते हैं या उनके शार्प टीथ होते हैं जो फ्लैश को ईजिली टीयर कर सकते हैं. ओके, तो वो शिकार करके भी दूसरे को खा लेंगे. जैसे लायन, टाइगर, तो आपने देखा ही है कि वो डियर का, काऊ का, बफेलो का, छोटे छोटे एनिमल्स का वो शिकार करता है, फिर उसकी चमड़ी को पूरा ऐसे फाड़ के खा लेता है, उसके कैनाइंस होते हैं बहुत शार्प. थर्ड कैटेगरी इज ऑफ ओमनीवोरस. ओमनीवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो दोनों खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं यानी दूसरे एनिमल्स का शिकार करके भी खा सकते हैं, और प्लांट्स मिले तो प्लांट प्रोडक्ट जैसे पेड़ वगैरह है वो भी खा सकते हैं. एग्जाम्पल है रकून, यहाँ पे जो आपको दिया है एक फ़ोटो वो है रकून, एंड सेकेंड इज़ बियर. तो बियर है जो भालू होता है, भालू फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हनी जो होता है वो, फिर प्लांट्स वो सब खाता है. उसके अलावा पानी में वो जाता है तो वो फिश खाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी खा लेता है वो. और रकून भी सेम, जो रकून है वो छोटे छोटे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा लेता है जो ज़मीन पे पड़े होते. उसके अलावा वो कीड़े मकोड़े, ग्रास ऑपर है, छोटी चींटियाँ हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट है, वॉर्म्स है, उनको भी वो खाता है. यहाँ पे ये पिक्चर आपको दिया है ना, रकून दिखाया, देखो, तो वो दोनों खाते हैं, उसको जो मिला वो खा लेंगे. प्लांट प्रोडक्ट मिला तो प्लांट खा लेंगे, एनिमल मिला तो वो एनिमल खा लेंगे, इसीलिए उसको बोला जाता है ओमनीवोरस. रकून एनिमल का नाम है, जो फोटो दिखा है ना उसका नाम है रकून. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज स्कैवेंजर्स. अभी ये जो दो पढ़ाने वाली हूँ वो आपके लिए बिल्कुल नया है. ओके, तो व्हाट आर स्कैवेंजर्स? स्कैवेंजर्स एक ऐसे टाइप के एनिमल्स होते हैं जो मरे हुए एनिमल्स को ही खाएंगे सिर्फ. ओके, जैसे कार्निवोरस एनिमल है, जैसे लायन है, तो लायन क्या करेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो शिकार करेगा, एक एनिमल के पीछे दौड़ेगा, फिर उसका शिकार करेगा, फिर उसको खाएगा. बट जो स्कैवेंजर्स है वो क्या करेंगे, जो मरे हुए एनिमल्स पड़े होते हैं ना रस्ते पे या जंगल में, वो उसी को खाते हैं, वो किसी को मार के नहीं खाएंगे. ओके, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कार्निवोरस एंड स्कैवेंजर्स. कार्निवोरस है वो क्या करता है, अगर उनको नहीं मिला तो वो मार के खाएंगे. जिंदा एनिमल को वो पहले मारेगा, लायन और टाइगर जो जिंदा एनिमल होगा उसको पहले मार डालेगा, फिर वो खाएगा. फिर उसका जो बच जाता है ना, लायन, टाइगर, ये सब क्या है, थोड़ा थोड़ा ऊपर का स्किन खा जाते हैं, फिर बाकी का जो एनिमल मरा है उसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं. तो ये जो बाकी जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, क्रो, वल्चर एंड हाइना, वो है स्कैवेंजर्स के एग्जांपल. वो खाते हैं ये मरे हुए एनिमल्स को ही सिर्फ. ओके, वो जिंदा एनिमल्स को नहीं खाएंगे, वो जो मर जाता है उसी को वो खाएंगे. क्रो, वल्चर एंड हाइना. क्रो और वल्चर आप लोग जानते हो, ये हाइना का फोटो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो लिंक में डाला हुआ है. ओके, एंड द लास्ट कैटेगरी इज पैरासाइट्स.
जो इसमें ईटिंग हैबिट्स में जो लास्ट कैटेगरी दी है वो है पैरासाइट की। पैरासाइट क्या होते हैं? सो पैरासाइट ऐसे होते हैं एनिमल्स हैं जो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। यानी कि वो एक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, वो लिविंग ही है, जिंदा एनिमल्स ही है, और वो बहुत छोटे होते हैं, हमें शायद दिखते भी नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं, बट वो किसी और में से अपना खाना लेते हैं। कैसे? उनके बॉडी के ऊपर रहते हैं या तो उनके बॉडी के अंदर रहते हैं। तो जो होस्ट होता है, होस्ट का मतलब क्या होता है? द एनिमल ऑन विच अनदर एनिमल लीव्स और फीड। यानी कि एक एनिमल जिसके ऊपर दूसरा एनिमल रहता है, तो जिसके ऊपर वो रहता है, फीड करता है, जिसको वो खाता है, जिसके ऊपर वो रहता है, उसे होस्ट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो एकदम बहुत इजी एग्जांपल दूँ, तो हमारे बालों में या ह्यूमन बींग्स के बालों में आपने देखा होगा कि जू हो जाती है। ठीक है, डैंड्रफ होता है, फिर डैंड्रफ में से वो जुए हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, तो फिर हम वो बाल में बहुत खुजली आती है ना, बहुत सारा खुज आते हैं, फिर आपकी मम्मी आपको क्लीन कर देती है। तो वो क्या होते हैं? जो ब्लैक कलर के लिविंग थिंग्स पैर वाले होते हैं ना, छोटे छोटे दिखने को मिलते हैं, उसे बोला जाता है लाइस। ठीक है, उसे बोला जाता है इंग्लिश में लाइस, फ्लीज और लाइस। इसका फोटो भी मैंने वीडियो लिंक में डाला हुआ है। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी पर रहते हैं, जैसे हमारे बालों में वो होंगे डैंड्रफ से, या वैसे अच्छे से बाल धुले नहीं, डैंड्रफ हो गया, उसमें वो बड़े होंगे, उसमें वो एग ले करेंगे, उसमें से वो डेवलप होते हैं, अच्छे से हमने बाल नहीं धोए, तेल नहीं डालते, तो ये सब फिर होता है ज़्यादा लंबे दिनों तक नहीं किया तो वो हमारे बॉडी में ऊपर हमारे बालों में रहेंगे, और फिर वो क्या करेंगे? हमारे बॉडी में से खून चूसेंगे, दे सक द ब्लड। तो हमारी बॉडी क्या होगी? होस्ट की बॉडी। हम लोग होस्ट है उसके लिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी पे जिंदा रह रहे हैं, हमारी बॉडी पे रह रहे हैं, वो हमारी बॉडी में से खून चूस रहे, तो उसका खाना क्या है? ब्लड, खून। हमारे बॉडी में जो खून होता है उसको चूसना, तो जैसे ही वो हमारे खून को चूसते हैं, हमें ऐसा बहुत इचिंग होता है ना बालों में, फिर हम खुजाते हैं। हम क्यों खुजाएंगे? क्योंकि तब वो हमारा खून चूसते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है। आगे ही बात समझ में। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल्स है टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म और हुक वॉर्म, जो लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, वो कुछ एनिमल्स होते हैं उनके अंदर, ये एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे होते हैं, वो उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं और वो ब्लड को सक करते हैं, यानी कि खून चूसते हैं। तो पैरासाइट्स का खाना क्या है? खून। वो अपना फूड इसी तरीके से लेते हैं, दूसरे के बॉडी के ऊपर रह के या उसके बॉडी के अंदर रह के। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हियर गिवन इज, लास्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अच्छा, और एक टॉपिक है, ये सेकंड लास्ट है। तो अडेप्टेशंस का मतलब क्या होता है? कि कोई भी एनिमल्स जहाँ पे भी रहता है उसे हम अडेप्टेशन बोलते हैं, वो वहाँ की कंडीशन को अडेप्ट करता है। जैसे हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, हाउ प्लांट्स सर्वाइव, वैसे ही ये चैप्टर है हाउ एनिमल्स सर्वाइव। तो वो जहाँ पे भी रहता है, ठंडी गर्मी बारिश, पेड़ पे, लैंड पे, पानी में, हवा में, तो वो अडेप्ट कैसे करता है अपने बॉडी को? तो अपने वो एनिमल्स, दूसरे एनिमी से, अपने दुश्मन से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो जैसे जंगल है, तो जंगल में लायन, टाइगर, चीता, ज़ीब्रा, एलिफेंट, डियर, सब कुछ रहते हैं। तो लायन टाइगर हमेशा यही सर्च में रहते कि मेरा शिकार मुझे कहाँ मिले, और डियर और ये सब हमेशा उसी डर में रहते कि हम लोग लायन टाइगर से कैसे बचे, वरना वो हमें मार के खा जाएंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए ये ज़रूरी होता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, जो एलिफेंट और हिप्पोपोटामस होते हैं, आप लोग ने दोनों देखा है, एलिफेंट और हिप्पोपोटामस, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है। क्यों? क्योंकि वो गर्मी से उसको प्रोटेक्ट कर सके। एलिफेंट कितना बड़ा होता है ना, हम चाहे तो भी उसके लिए कपड़े उसको नहीं ओढ़ा सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसकी बॉडी इतनी बड़ी होती है। तो वो अपनी बॉडी को कैसे, उसकी बॉडी इतना मोटा सा एनिमल होता है, बॉडी उसकी इतनी बड़ी सी होती है, तो उसको गर्मी भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो उसकी बॉडी पे थिक स्किन होती है, मोटी चर्बी होती है, जिसकी वजह से उसको गर्मी कम लगे। सेम फॉर हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस तो आपने देखा होगा कि वो पानी में बैठ जाते थोड़ी देरों के बाद, थोड़ी थोड़ी देर में वो पानी में चले जाते, फिर बाहर आते। क्यों? क्योंकि गर्मी लग रही होती है उनको। सिमिलरली बफेलोज, आपने बफेलोज को भी देखा होगा, नदी वगैरह में वो अंदर नहाती है या बैठी रहती है, क्योंकि गर्मी लगती है उसको, इसलिए।
तो ठंडी अच्छा लगे बॉडी में, दैट्स वाई. सेकेंड पॉइंट, सम एनिमल्स सच एज डियर, गेजल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स दैट एबल टू रन फास्ट. दीज एनिमल्स कैन ईजिली रन अवे फ्रॉम प्रेडेटर्स. यहाँ पे क्या दिया है, जैसे डियर, गेजल. गेजल एक टाइप का डियर जैसा ही होता है, छोटा सा, ठीक है. डियर होता है और गेजल होता है उसके सिंग होते हैं सर पे. डियर होता है उसके सिंग, इस तरीके से पूरा बताया है. तो दोनों सेम ही होते हैं. और लायन टाइगर उसके पीछे पड़े रहते हैं उसको शिकार करने के लिए. तो उनके लेग्स गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने उनको बचाने के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग लेग्स दिए. आपने देखा ना डियर कितना फास्ट भागता है, ठीक है. तो वो इसीलिए दिए, उनके सिंग होते, सिंग भी इसीलिए देता ताकि वो अगर लायन टाइगर कुछ खाने तो अपने सिंग मार सके उसको और वहाँ से वो बच के भाग सके. यहाँ पे एक दिया है प्रीडेटर्स करके एक वर्ड, वह वर्ड हेल्प में उसका मतलब दिया है एन एनिमल दैट हंट्स एंड किल्स द अदर एनिमल्स. ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को मार शिकार करके मार के खाता है. हंट यानी कि शिकार करना, किल यानी कि मार डालना. तो उसका शिकार करके मार के उसको खाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीडेटर्स. यानी कि लायन, टाइगर, चीता, ये सब क्या हुए, प्रीडेटर्स, शिकारी जो शिकार करते हैं. थर्ड पॉइंट इज गिवन, सम एनिमल्स सच एज चमेलियन, ज़ीब्रा, आर्टिक फॉक्स, पोलर बियर, फ्रॉग कैन ट्रिक देयर एनिमल्स बिकॉज ऑफ देयर बॉडी कलर ब्लेंड्स इजीली विद देयर सराउंडिंग्स, दिस कन्फ्यूजिंग देयर एनिमीज. दिस इज नोन एज कैमोफ्लेजिंग. अ चमेलियन कैन ऑल्सो चेंज इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स. ग्रासहॉपर एंड स्टिक इंसेक्ट आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट शो द परफेक्ट कैमोफ्लेज. अभी यहाँ पे जो चीज़ बताइए वो ये है कि कुछ एनिमल्स को आपने देखा होगा, जैसे ज़ीब्रा है तो उसकी बॉडी पे ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप है, ठीक है. तो वो ऐसी जगह पे बैठ जाता है जहाँ पे वो एनिमल्स उसको अच्छे से देख ना पाए, शिकार करने वाले. फिर पोलार बियर है तो वो ज़्यादातर स्नो में, बर्फ़ में होता है. तो वो क्या करेगा, जब कोई उसको खाने आएगा तो टाइगर या जैसे, तो वो बर्फ़ के अंदर छिप जाएगा आंखें बंद करके. तो वो एनिमीज जो उसका दुश्मन खाने के लिए आएगा उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे वो बैठा है. दूसरा है आर्टिक फॉक्स. सेम आर्टिक फॉक्स भी वैसा ही होता है, वाइट कलर का फॉक्स होता है पूरा, जो आर्टिक यानी बर्फ़ वाली जगह पर देखने को मिलता है. वो भी ऐसा ही करता है, ट्रिक करता है. ट्रिक मतलब उल्लू बनाना, ठीक है. वो अपने एनिमीज दुश्मन को उल्लू बनाते हैं. और फ्रॉग क्या करते हैं, वो जो पत्ते झाड़ पान होते हैं उसके बीच में छुप जाते हैं, क्योंकि फ्रॉग का ग्रीन कलर होता है ना बॉडी का, तो लीफ का भी ग्रीन कलर होता है, तो उसमें वो छुप जाते हैं. तो उनका बॉडी का कलर उनके आजू बाजू के सराउंडिंग के कलर के साथ मैच होता है ना, वो ऐसी जगह पे जाके रहते हैं. तो इसको बोलते हैं हम कैमोफ्लेजिंग. कैमोफ्लेजिंग का मतलब होता है वो उसको कंफ्यूज करना, एनिमीज को ट्रिक करना, अपने बॉडी कलर को दूसरे के कलर के साथ मैच करना, उसको बोला जाता है कैमोफ्लेजिंग. इसके अलावा और एक चीज़ जो बहुत आप लोगों ने सुना होगा, जैसे गिरगिट बोलते हो आप, काचिंडा बोलते हो, गिरगिट बोलते हो, उसमें एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है उसके बॉडी में कि वो जहाँ पे भी बैठता है वो उस चीज उसके जैसा बन जाता है. जैसे वो ब्लू कलर की बेंच पे बैठेगा तो वो उसकी बॉडी को ब्लू कलर का बना लेगा. अगर वो रेड कलर के फ्लावर पे बैठेगा तो वो अपने बॉडी कलर को जहाँ पे भी वो बैठा है उसका बॉडी कलर उसके जैसा वो बना लेगा. अगर वो ग्रीन कलर की लीफ में बैठा है तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा. अगर वो ब्राउन कलर की ब्रांच पे बैठा है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है. तो उसमें ऐसी कैपेसिटी होती है, ऐसी चीज़ होती है नेचुरली कि वो अपने बॉडी कलर को अपने आजू बाजू के कलर से वो चेंज कर सके. एक ये चमेलियन ऐसा होता है. बाकी जो ग्रास होपर है उसको भी आपने देखा होगा, वो जल्दी से दिखता नहीं है, वो ग्रास जैसा ही होता है, घास जैसा है, वो घास में छुप जाता है. ग्रीन कलर का घास और ग्रीन कलर का ग्रास होपर, तो वो एनिमल्स उसको खा नहीं सकते. और दूसरा है स्टिक इंसेक्ट. देखो स्टिक इंसेक्ट आपको यहाँ पे फोटो में दिया है टेक्स्ट बुक में, एकदम लकड़ी जैसा लग रहा है ना, जैसे हमारी ब्रांच होती है, ये जो डाली होती है पेड़ की, उसके जैसा ही एकदम है ना, ब्राउन कलर का. उसकी बॉडी भी देखो कितनी पतली, एकदम लकड़ी जैसी, ऐसे ही लग रहा है कि लकड़ी ही है, ठीक है. तो ये अगर कहीं पे होगा भी ना, पेड़ पे ऐसे नीचे कहीं पे, तो जो उसको खाने वाला है, उस जैसे लिजार्ड खाती है, स्नेक खाता है, उनको पता नहीं चलेगा कि ये इंसेक्ट है, उनको लगेगा कि ये डाली है, तो वो उसको नहीं खाएंगे. सो दिस इज नोन एज द केमोफ्लेजिंग. यानी कि वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे उनकी बॉडी
उस कलर के साथ मैच कर जाती है जहाँ पे वो रहते हैं। जैसे स्टिक इंसेक्ट ये देखो अभी डाली पे बैठा हुआ है, तो दोनों सेम सेम लगेगा, तो क्या लगेगा कि ये डाली है, ये इंसेक्ट नहीं लगेगा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एनिमल्स इन डेंजर। एनिमल्स इन डेंजर का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो खतरे में हैं, ओके, और जो है ही नहीं। इसमें हम दो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक तो एंडेंजर्ड एनिमल और एक एक्सटिंक्ट एनिमल। एंडेंजर्ड यानी कि जो डेंजर में है, यानी कि वो खतरे में है। एंडेंजर्ड मतलब कि वो खतरे में, किसके खतरे में है कि वो लुप्त होने के खतरे में है, ठीक है। और एक्सटिंक्ट यानी कि जो ऑलरेडी लुप्त हो चुके हैं, लुप्त हो चुके यानी कि हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में, इंडिया में या कहीं पे भी, पूरे अर्थ पे वो अभी उस जिंदा नहीं है। पहले के ज़माने में वो थे, अभी वो नहीं है, ओके, क्योंकि उनका शिकार कर दिया जाता है, उनको मार डाला जाता है इसीलिए। तो फर्स्ट ये क्यों होता है, बिकॉज एक तो देखो हम लोग ट्रीज़ को इतना ज़्यादा कट करते हैं, ठीक है। एक तो हमें मॉल्स बनाना होता है, ह्यूमन बींग्स को सिटी डेवलप कर रहे हैं, इतनी सारी बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहे हैं, मेगा मॉल्स बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इतना कुछ बनता है, तो हमें ट्रीज़ को कट करना पड़ता है, जंगल को साफ सफाई करते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स का घर चला जाता है, ओके, उनका खाना नहीं रहता है, इसी वजह से वो डेंजर में आ जाते हैं और वो अल्टीमेटली मर जाते हैं धीरे धीरे करके। ऐसे ही कुछ एनिमल्स है जैसे कि डोडो और पैसेंजर पिजन। डोडो का फोटो मैंने आपको डाला हुआ है अगेन पार्ट वन में। डोडो डक जैसा ही दिखने वाला एनिमल होता था, अभी वो नहीं देखने को मिलता है। और ये है पैसेंजर पिजन, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, पिजन जैसा ही है, बट जो पैसेंजर यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पास करता था, ठीक है, उसको पैसेंजर पिजन। पहले के ज़माने में थे ना कबूतर, जो राजा महाराजा उनको वो मैसेज दे के देते थे, और उसको पता भी चल जाता था कि उसको कहाँ पहुँचाना था, उसको उस तरीके से ट्रेन किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको सिखाया जाता था, वो होता ही था अलग टाइप का। अभी के पिजन ये सब नहीं कर सकते, अभी के जो कबूतर है वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो चीज़ नहीं होती, ये अलग पिजन था, तो अभी वो देखने को नहीं मिलता, वो डिसअपियर हो गया है हमारे अर्थ से। डिसअपियर यानी कि वो लुप्त हो चुका है, गायब हो गया है, बिल्कुल गायब हो गया यानी कि वो मर गए सारे के सारे, जितने भी उसकी स्पीशीज थी या प्रजाति थी वो सब मर चुकी है, ओके। इसीलिए ऐसे सारे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट यानी कि जो है ही नहीं। इसके अलावा दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूँ तो वो है डायनासोर का। डायनासोर भी देखो हमने मूवी देखा है जुरासिक पार्क और ये सब, कैसे डायनासोर हुआ करते थे बड़े बड़े, हमारे घर की बिल्डिंग जितने 10 फ्लोर्स की वैसे, अभी वो है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर मार मार के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने, खोज की, मार डाला उसको, क्योंकि वो डेंजरस भी होते थे, वो लोगों को भी खाते थे, तो उसको मारना ज़रूरी हो गया था, ठीक है। और कुछ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था कि ये इतने बड़े क्यों हैं, तो इसकी वजह से वो मर गए सारे, और अभी एक भी डायनासोर हमारे पूरे अर्थ में नहीं है, कहीं पे भी आपको डायनासोर नहीं मिलेगा, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसके अलावा एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड मतलब कि जो खतरे में है, तो वो है जायंट पांडा एंड टाइगर। देखो टाइगर भी, लायन भी धीरे धीरे होते जा रहे हैं एंडेंजर्ड, लायन की स्पीशीज भी कम होती जा रही है। पहले सासानगिर में कितने सारे लायन देखने को मिलते थे, अभी है ही नहीं, क्योंकि उसको मार डाला जाता है, पिंजरे में लेके जाया जाता है, उसकी स्किन से लेदर की चीज़ें बनाई जाती है, कपड़े बनाए जाते हैं, टाइगर की स्किन प्रिंट वाला देखो कपड़े निकल रहे हैं अभी तो, लायन टाइगर के प्रिंट के, है ना, चीता प्रिंट के कपड़े निकल रहे, जैकेट आता है गर्मी लगाने वाला, ठंडी में पहनते हम उसको, कारपेट बनती है उससे, तो ये सारी चीज़ें जो होती है एनिमल स्किन से बनती है, इसलिए उसको मारा जाता है, और फिर वो बहुत सारे हाई प्राइस में उसको बेचा जाता है, तो पैसे कमाने के लिए लोग उसको मार डालते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो स्पीशीज़ है, जाति है, वो बढ़ नहीं रही है, कम होती जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम एंडेंजर्ड। तो जायंट पांडा और टाइगर है, उसका दिन पर दिन संख्या जो है, नंबर है, वो कम होता जा रहा है अर्थ पे। पहले वो लैक्स में थे, लाखों टाइगर हुआ करते थे, फिर व्हाइट टाइगर को अभी देखने को ही नहीं मिलते, बंगाल टाइगर पूरा व्हाइट कलर का हुआ करता था, अभी तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो कुछ जू में होंगे तो पकड़ के उसको रखा है पिंजरे में इसीलिए, ठीक है, वरना वो फॉरेस्ट वगैरह में कहीं नहीं मिलते हैं देखने को,
दीज आर दी एंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी अगर हम ऐसे ही मारते रहेंगे उनको, ये जंगल को ख़त्म करते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे और वो भी फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अभी वो एंडेंजर्ड है, अभी वो ख़तरे में है मरने के, ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन सब के सब मर जाएंगे। पहले वो लैक्स के नंबर में थे, फिर वो थाउजेंड के नंबर में आए, फिर वो अभी हंड्रेड्स के नंबर में, गिन के इतने टाइगर हैं हमारे इंडिया में, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द कम्प्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ एनिमल्स, हाउ एनिमल्स सर्वाइव, चैप्टर नंबर 10। देखो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, सो यू ऑल जस्ट गो थ्रू दिस अगेन। थैंक यू।